समझ लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है, ट्रांसलेशन होता क्या है। उससे पहले मैं बात कर लूँ हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करके आ चुके हैं। हमने डीएनए के बारे में कवर किया, डीएनए वर्ल्ड एंड आरएनए वर्ल्ड कवर किया, उससे बीच में प्रोटीन्स को कवर किया, किस तरह से जनरली अपना डीएनए क्या करता है, सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस को शो करता है, किस तरह से डीएनए रिप्लीकेट करता है, किस तरह से डीएनए की फॉर्मेशन होती है, ये सारा कॉन्सेप्ट हम देख के आ चुके हैं। अब फाइनली बात आती है कि डीएनए का हमारी बॉडी किस तरह से इस्तेमाल करती है, ठीक है, डीएनए अपनी बॉडी पे किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो एक नॉर्मल सा एग्जांपल ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को समझने के लिए, ये दोनों प्रोसेस वन बाय वन होते हैं, वन बाय वन फॉलोड होते हैं, इस तरह बोल सकते हो। मतलब पहले सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर ट्रांसलेशन होगा। तो ऐसा प्रोसेस करने के लिए आखिरकार अपने को जरूरत किस चीज की होती है? तो ऐसी प्रोसेस ये इसलिए जरूरती है, एक नॉर्मल फंक्शनिंग, बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग करने के लिए अपने को ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक। अब नॉर्मल फंक्शनिंग में आता क्या है, देखो एक नॉर्मल से एग्जाम्पल ले लो। नॉर्मल से एग्जाम्पल क्या है, डीआईईटी, डाइट, ठीक। अपन जो भी फूड इनटेक कर रहे हैं, जो भी फूड ले रहे हैं, वो जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम पे, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक। अब डाइजेस्टिव सिस्टम पे जाते ही वो क्या एब्जॉर्ब होना चालू हो जाता है, उसकी ब्रेक डाउन होनी चालू हो जाती है, और ऐसे फॉर्म में वो ब्रेक डाउन हो जाता है जो कि अपनी बॉडी, अपने बॉडी के सेल्स एब्जॉर्ब कर सके। सिंपल सा बात करूँ तो जैसे कि प्रोटीन्स के फॉर्म में, प्रोटीन्स के फॉर्म में जनरली नहीं होता है, प्रोटीन्स ब्रेक डाउन करने के लिए जरूरत होता है, ठीक है। तो प्रोटीन्स नहीं, एज एब्जॉर्बेबल न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक। और जो कि अपनी बॉडी फर्दर ब्लड की ट्रांसमिशन के थ्रू पूरे सेल्स तक पहुँचा सके, तो ये पूरा प्रोसेस आता है। तो आखिरकार फूड को ब्रेक डाउन यहाँ एक डाइजेस्टिव सिस्टम पे जब हो जाता है तो उसकी ब्रेक डाउन करना पड़ेगा इस सारी फूड्स को। तो ब्रेक डाउन करने के लिए आखिरकार एनर्जी कहाँ से आती है, इस प्रोसेस में ब्रेक डाउन करने के लिए आखिरकार एनर्जी कहाँ से आती है? तो बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस है जहाँ पास अपने को एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, ENZYMES एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। दूसरा बात करेंगे प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, ठीक है। तो ये एंजाइम्स और ये प्रोटीन, आखिरकार ये प्रोटीन्स आते कहाँ हैं, ये आते कैसे हैं ये प्रोटीन्स? तो ये प्रोटीन्स पूरे के पूरे प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोसेस से हमारे बॉडी में फॉर्मेशन होते हैं। तो इस वीडियो पे सिर्फ और सिर्फ हम एक कॉमन सा बेसिक देखेंगे इन दोनों का, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का, और नेक्स्ट वीडियो पे इसका एक डिटेल, ट्रांसक्रिप्शन का अलग से, ट्रांसलेशन का अलग से। तो एक बार मैं चाह रहा हूँ कि आपका टॉपिक इसका बेसिक क्लियर हो जाए, कि आखिरकार इसे एक ब्लू प्रिंट टाइप का समझ लो, एक मैपिंग टाइप का समझ लो, कि आपके दिमाग में मैपिंग हो जाए कि हाँ ट्रांसक्रिप्शन में ऐसा ऐसा होता है, ट्रांसलेशन में हाँ ऐसा ऐसा होता है। फिर हम प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स में अलग अलग इसका बात कर लेंगे दोनों सिस्टम्स में, ठीक। तो चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन फिर ट्रांसलेशन। तो पहला टॉपिक इसी में डाल लेना, ट्रांसक्रिप्शन। तो ये आखिरकार ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, आखिरकार फाइनल प्रोडक्ट ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि ट्रांसक्रिप्शन आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या देता है, फाइनली क्या आपको देता है आपको, तो हमेशा बोलना ट्रांसक्रिप्शन हमेशा फाइनल प्रोडक्ट अपने को mRNA देता है, ठीक है, मैसेंजर RNA। एक वेल डिफाइंड RNA को क्या बोला जाता है, एक वेल डिफाइंड RNA, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस वेल डिफाइंड RNA को mRNA बोला जाता है। फिर ट्रांसलेशन प्रोसेस किस लिए जरूरी है, ट्रांसलेशन प्रोसेस जरूरी है मैसेंजर RNA की फर्दर रिफॉर्मिंग के लिए, फर्दर मैकेनिज्म के लिए। और क्या फॉर्मेशन करता है, ये फॉर्मेशन करता है प्रोटीन्स की, ठीक। तो समझ आए दोनों प्रोसेस, वीडियो क्लियर है, एक बार लेट मी चेक, एक नंबर, चलो। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन क्लियर, तो आखिरकार फाइनल फाइनल प्रोडक्ट दोनों में क्या मिलता है ये समझ के चलो। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं, पहला प्रोसेस डाल लेना ट्रांसक्रिप्शन, फिर एक इसकी की जस्ट बाद ट्रांसलेशन भी समझेंगे। तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता क्या है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक वेल डिफाइंड mRNA की प्रोडक्शन होती है यूकैरियोटिक्स में,
ठीक है, यूकैरियोटिक्स प्रोकैरियोटिक्स दोनों में ही mRNA की फॉर्मेशन होती है, बट हम यूकैरियोटिक्स के लिए जनरली बात करेंगे अपने ब्लूप्रिंट को समझने के लिए। तो एक वेल डिफाइंड mRNA की फॉर्मेशन करना ही ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ठीक, तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता कैसा है, तो एक बार इसे डायग्राम को देखो, ये अपने पास क्या है, एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए हेलिक्स है। क्या है, एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए हेलिक्स है। इसमें क्या लगे हुए हैं, इसमें स्टैंड्स लगे हुए हैं। ठीक है, ये क्या है, बेसेस, नाइट्रोजनस बेसेस लगे हुए हैं। अब मान लेता हूं ये पोजीशन एज वन ऑफ द सुटेबल पोजीशन है कौन सा प्रोसेस अपनाने के लिए, CRI, PTI ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को फॉलो करने के लिए बेस्ट पोजीशन है। तो ये प्रोसेस किस तरह से काम करेगा, देखो इस प्रोसेस में अगर ये एक बेस्ट रिप्लिकेटिंग फॉर्क क्रिएट कर पाता है तो भैया रिप्लिकेटिंग फॉर्क यहाँ वर्ड मत यूज करो, रिप्लिकेटिंग फॉर्क हम एज सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस समझने के लिए इस्तेमाल करते थे, डीएनए की फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल करते थे, तो वो प्रोसेस यहाँ नहीं, वो उसको यहाँ मिक्स कर दोगे तो दोनों में मिक्सिंग हो जाएगी और अपने को वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं मिलेगा, वो दोनों प्रोसेस ही अलग अलग हैं। ठीक है, वहाँ एक दो स्टैंड एक साथ जुड़े रहते थे, वो दोनों स्टैंड अलग होके दो अलग अलग डीएनए के पॉलीन्यूक्लियोटाइडिक चेन्स बना लेते थे, पर यहाँ ऐसे नहीं होगा, यहाँ सिंपल एक न्यूक्लियोटाइडिक चेन या फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइडिक चेन मिल जाएगा, उसके अलावा वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए की यहाँ फॉर्मेशन नहीं होगी। यहाँ सिंपल मान लेता हूँ ये एक प्रोसेस है, इसे जूम करो, ठीक है, यहाँ पास ट्रांसक्रिप्शन हो रहे हैं, तो यहाँ पास क्या, सबसे पहले जैसे ये एक यहाँ पास स्टार्ट करते हैं, ये कुछ इस तरह से है। ठीक, तो यहाँ पास के जो स्टैंड्स हैं वो एक दूसरे से ब्रेक डाउन होना चालू कर देंगे, क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन होना चालू कर देंगे। जैसे यहाँ पास है, यहाँ पास लगा और यहाँ पास क्या, सबसे पहले अटैक मारेगा एक एंजाइम जिसे बोला जाता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज इसके ऊपर अटैक कर देगा। ठीक, इस अटैचमेंट के कारण, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की अटैचमेंट के कारण एएसजी लगा है, तो हमेशा एक वर्ड याद रख लेना कि अपन एंजाइम की के बात कर रहे हैं। ठीक, ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की यहाँ पास अट्रैक्शन होने के कारण यहाँ पास डीएनए स्टैंड्स अलग अलग होना चालू कर, अनबाइंडिंग होना चालू हो जाएंगे। ठीक है, इस अनबाइंडिंग के कारण एक फर्दर न्यू चेन्स, एक रेड कलर चेंज करते हैं तो मजा आएगा। ठीक है, एक नया इधर साइड से आरएनए की न्यूक्लियोटाइडिक चेन्स क्रिएट होना चालू हो जाए, मतलब क्या तीन तीन का बेस पेयर होना चालू हो जाएगा और ये तीन तीन का बेस पेयर फर्दर इस तरह से निकलेगा। ठीक है, निकलते जाएगा, या तो ये नीचे वाले स्टैंड पे होगा, ये तो ऊपर वाले पे, मान लेते हैं ये 3' से 5' पे है, तो ये वाला स्टैंड किस प्राइम पे होगा, 3' से 5', ऐसे होगा। 3', 5' का कॉन्सेप्ट भी हर जगह यूज करना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि यही अपने आंसर्स को वेल डिफाइन बनाता है, 3', 5', ये डायरेक्शन है, क्योंकि यही इसी के थ्रू सारी चीजें फॉर्मेशन हो। अब इस तरह से अपना धीरे धीरे, अब ये कब तक प्रोसेस, अब तो ये ऐसे है तो नहीं कि ये डीएनए से स्टार्ट हुआ, ये भैया होते ही रहा, मतलब एक एमआरएनए आज बनना चालू किया, कल तक वो खत्म हुआ और पता चला वो 200-300 meters का बन गया, ऐसा तो है नहीं। ठीक, ऐसा तो होता नहीं है, इसमें दो पोजीशंस होते हैं, एक होता है अपना पास, सिंपल से बोल सकते हो जो बिगिनिंग पोजीशन रहेगा, जैसे ये मान लेते हैं ये अपने पास एक बिगिनिंग पोजीशन थी, जहाँ पास से स्टार्ट हुआ ये बिगिनिंग पोजीशन थे, तो इस बिगिनिंग पोजीशन एक अलग से स्टैंड बना के वहाँ से प्लेन कर देते, इससे ज़्यादा गोचागाची हो जाएगा। ठीक, अपने पास ये मान लो एक बिगिनिंग पोजीशन थी, ठीक, ये वाली एक बिगिनिंग पोजीशन थी, तो ये वाली बिगिनिंग पोजीशन को एज अ प्रमोटर बोला जाएगा, PROMOTER प्रमोटर रीजन बोला जाएगा। ठीक है, और यहाँ एक एंड पोजीशन रहेगी जिसे टर्मिनेटर बोला जाएगा, TERMINA टर्मिनेटर पोजीशन। ठीक, प्रमोटर पोजीशन या प्रमोटर रीजंस क्या होते हैं और टर्मिनेटर रीजंस या टर्मिनेटर पोजीशंस क्या होते हैं। प्रमोटर रीजंस वो रीजंस होते हैं जो एज इंडिकेट करेंगे, या फिर ऐसा आप सिंपल से बोल सकते हो, जहां पास से अपना अनबाइंडिंग या फिर आरएनए पॉलीमरेज अटैच होंगे और वहां पास से अनबाइंडिंग डीएनए की अनबाइंडिंग स्टार्ट हो जाएगी और अपने पास
mRNA की न्यूक्लियोटाइडिक चेन्स क्रिएट होना चालू हो जाएगा। ये स्टार्टिंग पोजीशन होती है, ठीक है, STARTING स्टार्टिंग पोजीशन बोल सकते हो ये। और जहां पास टर्मिनेशन पोजीशन यानी इंड अप पोजीशन, जहां पास ये जाके आरएनए पॉलीमरेज मान लेते हैं, यहां पास आके ये टर्मिनेशन टी पॉइंट मान लेते हैं, टर्मिनेशन पॉइंट, तो यहां पास आके ये आरएनए पॉलीमरेज फाइनली यहां से हट जाएगा और अपने पास इस तरह का एक आरएनए का एमआरएनए मिल जाएगा, आरएनए का पॉली न्यूक्लियोटाइडिक चैन मिल जाएगा। लिख लेते हैं पूरा, पॉली NUCLITIDS पॉली न्यूक्लियोटाइड चैन मिल जाएगा, समझ आए। अब ये जो आरएनए का पॉली न्यूक्लियोटाइडिक चैन है, तो आरएनए मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि ये सिंगल स्टैंडर्ड ही रहेगा, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड ही रहेगा, ठीक है। और ये जैसे ही टर्मिनेशन पोजीशन पे, तो आरएनए पॉलीमरेज रिमूव हो जाएगा और फर्दर ये पूरा प्रोसेस यहीं स्टॉप हो जाएगा। और ये जो अनपेयर हुए हैं, अनपेयर मतलब खुद से अलग हुए हैं, अब ये फर्दर कुछ प्रोसेस इस तरह से हो जाएगा, क्या किस तरह से, इस तरह से हो जाएगा प्रोसेस। अब जो अनपेयर हैं, ठीक है, अनपेयर्ड हैं इस तरह से, वो फिर से पेयर अप हो जाएंगे, किस कारण से, कॉम्प्लीमेंट्री के कारण, ठीक है। अब जैसे ये आरएनए पॉलीमरेज इन सारे को बाइंड अप होने नहीं दे रहा था, तो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर से टर्मिनेटर रीजन की ओर खसकते जाएगा, यहां मान लेता हूं क्या लगा है, यहां पास मान लेते हैं प्रोमोटर रीजन पे आरएनए पॉलीमरेज लगा। अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है। अब ये जैसे जैसे पीछे छोड़ते जाएगा, तो यहां पास जहां पास ये रहेगा वहां पास अनबाइंडिंग हो जाएगी। अनबाइंडिंग मतलब जो भी डीएनए रहेंगे उसकी अनबाइंडिंग हो जाएगी, और इसके साथ न्यू बेस यहां पास से इस तरह से निकलना चालू हो जाएंगे न्यू पॉली। अब जैसे ये यहां पास पहुंचे टर्मिनेटर तक पहुंच गया, मान लो टर्मिनेटर मतलब इंड पॉइंट तक पहुंच गया, जैसे ये इंड पॉइंट तक पहुंचेगा, तो उससे पहले एक चीज और ध्यान रखते चलना, जैसे यहां आगे खसकते जा रहा है, तो यहां पास के क्या किया इसने, जहां पास भी ये प्रेजेंट है, तो यहाँ पास का एक प्रोसेस हुआ, ये दोनों सारे के सारे जो तीन तीन बेसेस हैं वो अलग अलग हो गए, एक दूसरे से अलग हो गए। अब जैसे ये यहाँ पास से यहाँ पहुंच गया, तो ये तीनों फिर से आके जुड़ जाएंगे, किस कारण से, कॉम्प्लीमेंट्री के कारण। अब ये धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे और फर्दर जैसे ये टर्मिनेशन पोजिशन पे पहुंच जाएगा, मतलब इंड अप पोजिशन पे पहुंच जाएगा, तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा और फर्दर अपने पास एक आरएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइडिक चैन मिल जाएगी, ठीक है। वैसे इसे अभी के एमआरएनए, वैसे नॉर्मल केस अगर बेसिक पढ़ रहे हो तो इसे एमआरएनए बोल दो, ठीक। थोड़ा सा भी अगले वाले लेक्चर पे देखेंगे, एमआरएनए अभी नॉर्मल में फॉर्मेशन नहीं होता है, ये होता है हेट्रोजीनियस HTRNA होता है। तो अभी सिंपल इसकी जगह एमआरएनए ही कंज्यूम करके चलो, क्योंकि अपन बेसिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसकी जगह आगे वाले पे ही देख लेंगे, ठीक। हाँ, ये सारी की सारी प्रोसेस हो गए, अब अपने पास एक प्रॉपर आरएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइडिक चैन मिल गई, यानी एक मैसेंजर आरएनए अपने पास मिल गया। अब ये सारी की सारी चीजें फिर से, जैसे ही यहाँ पास से ये रिमूव हो जाएगा, ये रिमूव हो गया, तो ये सारी चीजें फिर से जुड़ जाएंगी और ये कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस इस तरह से, ठीक है। और ये फिर से इसी तरह से डीएनए अपना बन जाएगा। अब यहाँ कई लोग के दिमाग में एक दो क्वेश्चन उठ रहे होंगे, ठीक है, कई क्वेश्चन उठ रहे होंगे, एक एक करके अपने आपके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। उससे पहले मेरी एक बात सुनो, ठीक। अब कोई अगर पूछे, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे एज ए स्टार पॉइंट बना के लिखना है, तो लिख लो, ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है, ट्रांसलेशन कहाँ होता है, ठीक है। दोनों अगर प्रोसेस की बात की जाए, तो ट्रांसक्रिप्शन अलग पोजिशन पे होता है, ट्रांसलेशन अलग पोजिशन पे होता है, ठीक है। वैसे बोलोगे तो टोटली दोनों किसके अंदर होते हैं, तो टोटली दोनों सेल के अंदर होते हैं, ये आप सिंपल बोल सकते हो, ठीक है। कॉमन सी बात कहाँ हो जाएगी कि दोनों ही सेल्स के अंदर ये प्रोसेस होता है। बट अगर सिंपल बात की जाए कि ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है और ट्रांसलेशन सेल के अंदर कहाँ होता है, तो ये दोनों अलग अलग कुछ, ट्रांसक्रिप्शन अपना न्यूक्लियस के अंदर होगा और ट्रांसलेशन अपना साइटोप्लाज्म में होगा, सेल के साइटोप्लाज्म में होगा, और ये दिमाग में बैठा के रखना, ठीक। तो ये सारा सारा प्रोसेस समझ आ गया,
चलो, तो एक mRNA अपने पास पॉलीन्यूक्लियोटाइडिक चैन अपने पास mRNA की मिल जाएगी, यानी मैसेंजर RNA सिंपल सा बोलो अपने पास मिल जाएगा। अब एक एक क्वेश्चन जो आपके दिमाग में उठ रहा होगा, मेरे दिमाग में भी उठा था, तो वही क्वेश्चन को मैं रिपीट कर देता हूँ। ठीक, क्या ये जो mRNA की फॉर्मेशन हो रही है, क्या वो एक ही साथ दो mRNA की फॉर्मेशन हो सकती है? एक ही साथ दो mRNA की फॉर्मेशन हो सकती है भाई? होने का हो सकती है, ऐसी बात नहीं है हो नहीं सकती, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा। होने का हो सकता है एक साथ दो दो, क्योंकि अपने ने सिंपल सिंपल क्या पढ़ा था, जैसे इसी से पहले जब अपन पढ़ रहे थे, तो दो DNA से एक नीचे साइड भी कोडिंग हो रही थी, एक ऊपर साइड भी कोडिंग हो रही थी, अपन ने यह देखा था जब DNA के पॉलीमराइजेशन प्रोसेस पढ़ रहे थे। ठीक, तो ऊपर भी कोडिंग हो रही थी, नीचे भी कोडिंग हो रही थी, और सिंपल सा दोनों साइड ही क्या RNA जी तो जुड़ रहे थे, RNA के प्राइमर जी तो जुड़ रहे थे, ये याद है। तो एक साथ दो दो काम हो सकता है, दो दो RNA प्रोड्यूस हो सकते हैं, ये पहला क्वेश्चन। ठीक, ये क्लियर हो गया। बट क्या, अब दूसरा क्वेश्चन आपका, क्या ये प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस शो करेंगे अगर दो दो RNA एक साथ बन रहे हैं? तो ये भाई बोलना बड़ा मुश्किल है। बोलना मुश्किल क्यों है? क्योंकि ऐसा प्रोसेस नहीं हो पाएगा, ये ट्रांसक्रिप्शन की फेलियर कॉज कर देगा। क्यों फेलियर कॉज कर देगा, ये सुनो। देखो, अगर एक साथ साथ दो RNA की फॉर्मेशन हो जाती है, एक ये RNA हो गया मान लेते हैं, दूसरा RNA mRNA, एक ये हो गया mRNA और दूसरा mRNA ये हो गया, एक mRNA ऊपर वाला मान लो, दूसरा mRNA ये नीचे वाला, एक नीचे वाले स्टैंड से बना है, एक ऊपर वाले स्टैंड से, तो मतलब एक दो ठोक ऐसे पास अपने पास मिल गया। ठीक, अब एक बात क्या ध्यान रखोगे कि दैट दोनों की ही पोलैरिटी क्या होगी, अगर दो mRNA बन जाते हैं तो दोनों की ही पोलैरिटी उल्टा होगी। अगर इसकी पोलैरिटी 3' से कितनी है, 3' से 5' है, तो इसकी क्या हो जाएगी, 3' से 5', ऐसा हो जाएगी। मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के, और ये दोनों क्या कर जाएंगे, जैसे ही इसके बाहर निकलेंगे और एक दूसरे अटैच हो जाएंगे, अटैच हो करके ये क्या फॉर्मेशन कर देंगे, एक एक चीज समझना है। ठीक, अटैच हो करके ये डबल स्टैंडर्ड DOUBLE डबल स्टैंडर्ड STANDERD स्टैंडर्ड mRNA बना लेंगे। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड mRNA बना लेंगे एक साथ जुड़ के। ठीक, एक तो ये कंडीशन आ सकती, अगर ये डबल स्टैंडर्ड mRNA बना लेते हैं तो कोई बात नहीं, इसमें ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस तो हो जाएगा, पर अब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में अपने को सिंपल mRNA की तो फॉर्मेशन करना, अब डबल बन गया तो उससे क्या लेना देना। ठीक है, तो एक तरह से ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस तो ले देके कंप्लीट हो जाएगा, बट वो ट्रांसलेशन प्रोसेस पे नहीं जाएगा, क्योंकि ट्रांसलेशन प्रोसेस पे जाने के लिए सिंपल एक स्टैंडर्ड mRNA ही होना चाहिए। डबल स्टैंडर्ड अगर mRNA रहा तो डबल स्टैंडर्ड mRNA कोडिंग नहीं करेगा, क्योंकि वो पहले से ही इंगेज्ड है दो से, तो दो के ऊपर हम ट्रांसफर्ड यानी tRNA कहां से लाके, मतलब अलग से जो प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे बेसेस, दो बेसेस जुड़ करके क्या बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट, प्रोटीन हो गया, एमिनो एसिड्स हो गया, ये सारी चीजें बनाते हैं। तो अपने को जैसे प्रोटीन की सिंथेसाइज करना है, तो ये पहले से इंगेज है, दोनों जुड़े हुए हैं, तो मैं अलग से प्रोटीन के स्टैंड्स लाके कहां पास जोड़ूंगा, ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये पहला तो ट्रांसक्रिप्शन ले देके कंप्लीट हो जाएगा, पर ट्रांसलेशन फेलियर हो जाएगा। तो अगर ट्रांसलेशन फेलियर हो गया तो एक तरीके से आप बोल सकते हो ट्रांसक्रिप्शन भी कोई काम का नहीं, ठीक, ये भी फेलियर है। तो ऐसा तो अगर कोई लोग समझ रहे होंगे डबल स्टैंडर्ड mRNA क्या ये एग्जिस्ट नहीं करता, भाई ऐसी बात नहीं है, डबल स्टैंडर्ड mRNA भी आप आगे जाके पढ़ोगे, ठीक है, वो भी एग्जिस्ट करता है और उसका भी हमारे बायोलॉजी में यूज है, हम कई बार डबल स्टैंडर्ड mRNA की फॉर्मेशन करते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, बट एज ये इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, इसलिए जल्दी ब्रेक जड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पास टी की जगह थायमिन की जगह यूरासिल प्रेजेंट रहता है, इसीलिए ये हाईली रिएक्टिव प्रोसेसेस के लिए डबल स्टैंडर्ड mRNA का इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी कॉन्सेप्ट अपना वो नहीं है, तो कॉन्सेप्ट क्या था कि दैट क्या एक साथ में डबल स्टैंडर्ड mRNA की फॉर्मेशन अगर हो गई तो प्रोसेस करेंगे तो नहीं करेंगे,
ट्रांसक्रिप्शन तो ले देके कर देगा बट ट्रांसलेशन प्रोसेस में नहीं जाएगा, जिसके कारण सिंपल ये पूरा का पूरा प्रोटीन सिंथेसाइज प्रोसेस ही रद्द हो जाएगा। एक तो ये आ जाएगा। दूसरा एक और रीजन समझो, देखो अगर अपने पास सिंपल सा क्या बन जाता है, अपने पास अगर डबल स्टैंडर्ड, मतलब अगर दूसरा केस क्या मैंने बोला कि क्या दोनों स्ट्रैंड कोडिंग करेंगे एक साथ, तो भाई ऐसा तो कोडिंग कर सकते हैं बट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के लिए कोडिंग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? एक तो मैंने ये केस समझाया, एक केस ये था। दूसरा केस मान लो अगर सेम टू सेम इसी तरह का, एक अपने पास ये भी कोडिंग कर रहे हैं, ऊपर वाला भी कोडिंग कर रहे हैं, नीचे वाला भी कोडिंग कर रहे हैं, ठीक है। जब ऊपर नीचे दोनों ही कोडिंग करेंगे तो ये फर्दर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देंगे। कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करने का मतलब है कि जब अपने पास दो दो एमआरएनए रहेगा, एक एमआरएनए ये, दूसरा एमआरएनए ये रहेगा, मतलब दो दो एमआरएनए रहेगा, तो ये कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देता है। कैसे कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है सुनो, देखो अब यहाँ पास अपने को स्पेसिफिक प्रोटीन चाहिए, हर एक ब्रेक डाउन करने के लिए एक स्पेसिफिक प्रोटीन रहती है, तो वो स्पेसिफिक प्रोटीन की सिंथेसाइज करने के लिए दो दो स्टैंड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब वो दो दो स्टैंड्स के पास, दोनों स्टैंड्स के पास नेमली अलग अलग हो सकता है बेस पेयर्स रहे। अब अलग अलग अगर बेस पेयर प्रेजेंट है तो जनरली क्या कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देगा कि नेक्स्ट प्रोसेस यानी ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए इन दोनों एमआरएनए में से कौन से एमआरएनए को फर्दर ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए ले जाऊं, ठीक है। वहां ले भी गया तो वहां भी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाएगी, वहां दो दो टाइप्स की प्रोटीन्स क्रिएट हो जाएंगी बट दो दो एमिनो एसिड्स क्रिएट हो जाएंगी जो अपने को नहीं चाहिए। तो ये सारी की सारी सेल्स में कॉम्प्लिकेशन क्रिएट ना हो इसीलिए एट अ टाइम सिर्फ और सिर्फ सिंगल एमआरएनए की ही प्रोडक्शन होती है, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर कॉम्प्लिकेशन हुआ ना तो म्यूटेशन हो जाएगा, ठीक है। अगर म्यूटेशन हो गया तो बॉडी में डिसऑर्डर होगा, बॉडी में डिसऑर्डर हुआ तो लूला लगड़ा ये सब चीज़ें हो सकती है। तो इसलिए सारी सारी बहुत ज़्यादा ये स्पेसिफिक इन नेचर होती है, मतलब ये पूरा का पूरा ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हाईली स्पेसिफाइड रहता है। मतलब एक सिंपल जितना प्रोसेस होना है उतना ही रहेगा, जितने टाइम में कंप्लीट होना उतने ही टाइम में कंप्लीट होगा, ना आगे ना पीछे, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा हाईली रिस्क्ड प्रोसेस होता है, इसमें म्यूटेशन होने के हाई चांसेस हैं, ठीक है। तो चलो, तो ये पूरा प्रोसेस हो गया क्या एमआरएनए की फॉर्मेशन का। अभी एमआरएनए का फॉर्मेशन बाकी है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, तुरंत ही आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलो अब अपने पास यहाँ पर जितने डाउट्स आपके मन में आ रहे थे तो आई थिंक सो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई अगर डाउट आया होगा, न्यू अभी उत्पन्न हो गया होगा, तो उसे भी कमेंट कर देना, उसका अलग से वीडियो बना के हम देख लेंगे, ठीक। चलो आप थोड़ा सा स्पेस चाहिए मेरे को इसी में, क्योंकि अभी ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ नहीं है। आप सिंपल सा मेरे पास आखिरी में क्या मिल गया, एमआरएनए, ये एमआरएनए अपने पास सिंपल सा है, ये सिंपल सा एक डिब्बा टाइप का समझ लो, ठीक है ना। इसमें डिब्बा टाइप का तो ज्यादा अच्छा रहेगा, एक सिंगल बेस पेयर बनाएंगे तो अच्छा देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो एक इस तरह का आप समझ लो, ये अपने पास एम आर एन ए, एग्जाम में भी यही बनाओगे तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। बट अगर आपको एम आर एन ए स्पेसिफाइड समझाना है तो आपको सिंगल स्टैंड वाला ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि एम आर एन ए सिंगल स्टैंड पे ही रहेगा। अब इसमें कुछ कोडिंग्स एंड कुछ नॉन कोडिंग पार्ट्स प्रेजेंट रहेंगे, ठीक, कुछ कोडिंग्स एंड कुछ नॉन कोडिंग पार्ट्स प्रेजेंट रहेंगे। और ट्रांसक्रिप्शन तीन प्रोसेस में होता है, एक इनिशिएशन, दूसरा इलोंगेशन, तीसरा टर्मिनेशन, ठीक। वो थोड़ा सा देर बाद एक ही बार में देख लेंगे उसको, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देगा, अभी शुरू से बताता तो ठीक रहता। चलो हो गया, कोई बात नहीं, थोड़ा आखिरी में समझ लेंगे ना, तो एज ए स्टार पॉइंट में, और नेक्स्ट तो एक बार और इससे स्टार्ट ही करना है यूकैरियोटिक्स और प्रोकैरियोटिक्स के लिए, तो वहाँ पूरा क्लियर हो जाएगा। तो एक अपने पास जो एमआरएनए बना, एमआरएनए में कुछ कोडिंग्स एंड कुछ नॉन कोडिंग्स पार्ट्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। मान लेते हैं जो कोडिंग पार्ट्स है उसे, ये मान लेते हैं ये क्या है, कोडिंग पार्ट्स है, ये सारे ब्लैक ब्लैक वाले क्या हैं, कोडिंग पार्ट्स हैं, जितने वाइट वाइट वाले हैं वो नॉन कोडिंग पार्ट्स हैं। तो जितने भी कोडिंग पार्ट्स रहता है उसे एक्सॉन ई एक्स
ENTRO यानी इंट्रॉन, और माय मिस्टेक एक को बोला जाता है जो नॉन कोडिंग पार्ट रहते हैं उसे INTRO यानी इंट्रॉन बोला जाता है, और जो कोडिंग पार्ट रहते हैं उसे एक्सट्रॉन बोला जाता है। ठीक, लेट मी चेक इन दोनों के नाम की स्पेलिंग मैंने सही लिखा है कि गलत, कई कई बार कंफ्यूजन हो जाता है मेरे को ये दोनों नाम में, EXON एक्सॉन। ठीक, तो कई जो कोडिंग पार्ट्स रहते हैं उसे एक्सॉन बोला जाता है, जो नॉन कोडिंग पार्ट्स रहते हैं उन्हें इंट्रॉन बोला जाता है। अब जो कोडिंग पार्ट्स हैं और नॉन कोडिंग पार्ट्स हैं इनका आखिरकार काम क्या है? देखो, mRNA में अपने को सिर्फ और सिर्फ अगर एक फुल्ली मैच्योर्ड mRNA अपने को चाहिए, अब ये नॉन फुल्ली मैच्योर्ड है mRNA है, ठीक, अगर अपने को फुल्ली मैच्योर्ड mRNA चाहिए तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन पार्ट होना चाहिए, इंट्रॉन पार्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंट्रॉन पार्ट आर दी नॉन कोडिंग पार्ट्स होते हैं, ये किसी के साथ कोड फॉर्मेशन नहीं करते, मतलब आगे जाके कोई प्रोडक्ट नहीं देंगे, अगर प्रोडक्ट नहीं देंगे तो अपने को कोई काम का नहीं है, क्योंकि अपने को तो प्रोडक्ट चाहिए, प्रोटीन चाहिए। ठीक, तो ये जितने भी नॉन कोडिंग पार्ट्स यानी इंट्रॉन्स रहते हैं इन सारी के रिमूव करना पड़ता है। तो एक बार वीडियो देख लेते हैं, क्लियर है कि नहीं, आई थिंक सो क्लियर है। चलो, तो जो नॉन कोडिंग पार्ट्स रहते हैं ये इंट्रॉन्स मतलब ये वाले रेड रेड वाले पोर्शन समझ लो, इसको रिमूव करना पड़ता है। तो इसको रिमूव करने के लिए हम एक स्पेशल प्रोसेस में जाते हैं जिसे स्प्लिसिसोम बोला जाता है, SPLEISOM स्प्लिसिसोम। ठीक, स्प्लिसिसोम स्पेलिंग चेक कर लेना स्क्रीन पे आ रही होगी, स्प्लिसिसोम बोला जाता है। स्प्लिसिसोम में अपन क्या होते हैं, ये जनरली एक ये हम यूज करते हैं, ये एक कॉम्प्लेक्स का नाम है, COMPLEX कॉम्प्लेक्स का नाम है स्प्लिसिसोम, वैसे ये प्रोसेस का नाम है PROCESS प्रोसेस का नाम स्प्लिसिंग है, स्प्लिसिंग। ठीक, स्प्लिसिसोम और स्प्लिसिंग क्या करता है आखिरकार? देखो, mRNA प्रोसेस में दो क्या रहते हैं, mRNA प्रोसेस में कुछ इंट्रॉन्स होते हैं, कुछ इंट्रॉन्स होते हैं, हमें नॉन कोडिंग पार्ट्स यानी इंट्रॉन्स को रिमूव करना होता है, इसे रिमूव करने के लिए अपन स्प्लिसिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। स्प्लिसिंग प्रोसेस में एक कॉम्प्लेक्स का यूज करते हैं जिसका नाम उसी के पेरेंट नेम से दिया गया है, स्प्लिसिसोम। ये कॉम्प्लेक्स जनरली किससे, आरएनए से मिलकर के बना होता है और दूसरा प्रोटीन से मिलकर के बना, कोई बोले एंजाइम से, पट से नहीं, एंजाइम से नहीं भाई, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। अब ये स्प्लिसिसोम जनरली इसके ऊपर अटैक कर देते हैं और जहां जहां पास अपने पास इंट्रॉन्स रहते हैं वो सारे इंट्रॉन पार्ट्स को रिमूव कर देता है, और रिमूव करने के बाद जितने भी इंट्रॉन पार्ट रहते हैं उन सभी को रिमूव कर देता है, INTRO इंट्रॉन्स को रिमूव कर देते हैं, और जितने भी एक्सॉन्स रहते हैं वो सारे एक्सॉन्स को जोड़ देता है, ये एक्सॉन्स को जोड़ देता है और एक मैच्योर्ड आरएनए की फॉर्मेशन कर देता है, और यही जाएंगे अपने को, अभी भी मैच्योर आरएनए फॉर्मेशन नहीं हुआ है, इसमें कैपिंग और टेलिंग भी एक प्रोसेस होता है। ठीक है, तो कैपिंग एंड टेलिंग वर्ड को सिर्फ याद रख के चलो, ठीक है, कैपिंग एंड टेलिंग प्रोसेस को याद रख के चलो, तो एक कैपिंग CAPING कैपिंग प्रोसेस होता है, और TAILING टेलिंग प्रोसेस, ठीक है, एक कैपिंग प्रोसेस होता है, दूसरा टेलिंग प्रोसेस। कैपिंग एंड टेलिंग दो प्रोसेसेस है जिसके थ्रू ये अपने पास एक मैच्योर्ड mRNA अपने पास फर्दर आखिरी में कैसे भी करके मिल ही जाता है। अब ये यहाँ पास से पूरा का पूरा ट्रांस, जैसे ये mRNA मिला, अब ये mRNA न्यूक्लियर पोर के थ्रू बाहर निकल जाता है, ये अपने पास न्यूक्लियस है, अब न्यूक्लियस में छोटे 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 पोर्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, वो पोर्स से ये mRNA इस तरह से निकल जाता है और ये फर्दर mRNA बाहर आ जाता है और किसमें एग्जिस्ट करने लगता है, साइटोप्लाज्म में।
ठीक है। और यहाँ कैपिंग एंड टेलिंग का यहाँ यही इंपॉर्टेंट काम है कि कैपिंग एंड टेलिंग इसे क्या नहीं होने देता, डिसोसिएट होने नहीं देता, इसके ऊपर एक लेयर फॉर्मेशन कर देता है जिसके कारण जो साइटोप्लाज्म में डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट है उस डाइजेस्टिव एंजाइम्स के कारण अपना एमआरएनए पे कोई इफेक्ट ना पड़े और ना ही एमआरएनए जल्दी डिसोसिएट हो, मतलब डिग्रेड हो, ठीक है, डिग्रेड यानी टूटना फूटना, तो ये ना ही, तो इसीलिए अपने पास साइटोप्लाज्म में एमआरएनए जिंदा रह पाता है, वो एक प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस, कैपिंग एंड टेलिंग के कारण। तो यहाँ पास पूरा इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड आखिरी में टर्मिनेशन प्रोसेस, आखिरी वाले में कंप्लीट, और यही टर्मिनेशन प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट तो अपना ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस भी कंप्लीट। चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, काफी लंबा वीडियो हो रहा है, एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दें क्या, थोड़ा सा लंबा रहेगा बट ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन आपका क्लियर हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो नेक्स्ट देख लें, चलो यार ठीक है, तो यहां तक का समझ आ गया है, तो जिसको तो मिलते हैं अभी इसके जस्ट बाद में ही, तुरंत ही अपन, मैं तो तुरंत ही पढ़ाऊंगा आपको, जस्ट देखना होगा तो तुरंत यहां पर क्लिक करके देख सकते हो। तो नेक्स्ट अपना स्टार्ट करेंगे ट्रांसलेशन, जहां से मैंने एमआरएनए को छोड़ा है साइटोप्लाज्म में वहीं से उठा करके आगे करूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और ये सारी चीजों को रिवाइज करते रहिए। राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।